उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना महामारी में सैनिटाइजेशन को निकली टीम को किया सम्मानित। कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा बनकर सैनिटाइजेशन के लिए निकली नगर पालिका के नामित सभासद मोहित प्रभाकर की टीम को उझानी के मोहल्ला श्री नारायणगंज में गायत्री मंत्र का पटिका पहना कर सम्मानित किया गया। इसमें पूर्व टीम के सदस्यों ने मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। माँ गायत्री इंस्टीट्यूट के भुवनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुसीबत के समय में लोगों की सहायता करने और परेशानियों में समाधान करने वाला साधारण व्यक्ति नहीं होता है, उसमें हर चुनौती को स्वीकारने की अद्भुत क्षमता होती है। गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोग मास्क का प्रयोग, दो गज की दूरी और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस दौरान टीम के सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया। नगर के हर मोहल्ले में बारी बारी से सैनिटाइजेशन करने वाले मोहित प्रभाकर के साथ आशीष, मनीष, प्रतीक, अभिषेक और राहुल को गायत्री परिवार की ओर से गायत्री मंत्र का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। टीम ने मदनशील स्कूल और प्रेम मिल कंपाउंड की गलियों में सैनिटाइजेशन किया। इस मौके पर रामातौर शर्मा, मृत्युंजय शर्मा, हेमंत आदि लोग मौजूद रहे। इस समय मैं नामित सभासद हूँ भारतीय जनता पार्टी से, उजानी से, और ये कोविड महामारी चल रही है, इसको हराने के लिए हम जगह जगह जाकर सैनिटाइजेशन करते हैं अपनी टीम के साथ। जहाँ नगर पालिका से कोई चूक हो जाती है तो फिर हम अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और सभी स्वस्थ हों इसके लिए हम लोग सेवा में तत्पर हैं सभी के लिए, और चाहते हैं कि सभी लोग निरोगी हों, यही प्रयास है हमारा।